नमस्कार, मैं हूं दिव्यांजलि मोइत्रा। कोरोना वायरस की जद में बुरी तरह से चीन आ गया। वहां पर आए दिन कोरोना वायरस से लोगों के मरने की खबर आ रही। चीन में 650 भारतीयों के फंसे होने की खबर थी। भारत सरकार लगातार अपने देश के लोगों से संपर्क में थी और एक बार फिर भारत के महाराजा एयर इंडिया ने इस मिशन को अपने हाथ में ले लिया। जिस चीन में सभी देशों ने अपनी उड़ानों को बाधित कर दिया, जिस चीन में कोई कदम नहीं रखना चाहता, उस चीन में भारतीयों को बचाने के लिए एयर इंडिया की क्रू गई और 647 भारतीयों को वापस लेकर आई। जो लोग भारत सरकार को गालियां देते हैं और जिन्हें पाकिस्तान में सब कुछ ठीक लगता है, जिन्हें इमरान खान की सरकार में भविष्य दिखता है और मोदी सरकार के कामकाज में दिक्कत नजर आती है, तो वो जरा देखें कि कैसे मोदी सरकार ने अपने देश के लोगों की जान बचा ली और पाकिस्तान सरकार ने अपने छात्रों को चीन की सरकार के हवाले कर दिया। भारतीयों को जब बस लेकर आ रही थी तो कैसे पाकिस्तानी छात्र वहां रो रहे थे, आपको इस वीडियो में दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जो आप ये लोग देख रहे हैं यहां पर खड़े हुए, ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं और ये बस इनको यहां से लेने आई है, जो इनकी एम्बेसी की तरफ से भेजी गई है। ये वुहान की एक यूनिवर्सिटी में ये इंडियन स्टूडेंट्स जो हैं, इनको यहाँ से एयरपोर्ट ले जाया जाएगा इस बस के ज़रिए और वहाँ से इनको इवैक्यूएट किया जाएगा इनके घरों तक। तो बांग्लादेश वाले भी आज रात यहाँ से इवैक्यूएट किए जाएंगे। एक हम हैं पाकिस्तानी जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनकी गवर्नमेंट ये कहती है कि आप वहाँ पर ज़िंदा रहो, मरो, जियो, कुछ भी हो, आपको इन्फेक्टेड होते हो जाओ भले, हम आपको ना तो इवैक्यूएट करेंगे ना फैसिलिटेट करेंगे। शेम ऑन यू पाकिस्तान गवर्नमेंट, कुछ सीखो इंडिया से, कुछ सीखो कि वो अपने लोगों को किस तरह ख्याल रखती है। बात इतनी तक ही नहीं है, भारतीय छात्र जब वहां फंस गए तब से वो लगातार भारतीय दूतावास से संपर्क में थे। चीन में भारतीय दूतावास ने मोदी सरकार से संपर्क किया और फिर शुरू हुआ अपने लोगों को वापस लाने का सिलसिला। और जब ये लोग भारत पहुंचे और इन्हें एक अलग सेंटर में रखा गया, जहां से वीडियो को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए कैसे ये छात्र कैंप में डांस कर रहे हैं। ये तो भारतीय छात्रों का डांस देखा आपने, जो भारत आने के बाद मोदी सरकार को अपने तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी छात्रों को भी देख लीजिए, जो लगातार इमरान सरकार से वापसी की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इमरान खान ने तो उन्हें छोड़ दिया अल्लाह भरोसे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हफ्ता रही बात कर रही हूँ वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम असर खान है फ्रॉम वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से। इस वक्त मैं मतलब जो जेरे बहस लाना चाह रही हूँ, हम लोग इस वक्त तमाम स्टूडेंट वुहान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हैं। हम इस वक्त जो सबसे पहले अपना मसला पेश करने जा रहे हैं वो है खुराक की कमी। इस वक्त हम लोग खौफ का शिकार हैं कि जिस तरह अभी हमें इस कमी का सामना करना पड़ रहा है, अनकरीब है कि हम लोग बिल्कुल हमारे पास बिल्कुल खुराक जरा बराबर भी मौजूद ना रहे। और सेकेंडली जो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि हमें एक शहर के अंदर बंद कर दिया गया है, हम आइसोलेट हो चुके हैं। पता कि वुहान इस वक्त पूरे चाइना से आइसोलेट हो चुका है। जिस सूबे में हम रहते हैं मुंबई, उसके 13 सिटीज पूरे चाइना से आइसोलेट हो चुके हैं, उनका चाइना के साथ कोई रابطہ नहीं है। तो हमारी दरख्वास्त है, उनका हवाले से दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी इंसानियत की खातिर हमारे लिए कुछ करें, हम बराए मेहरबानी हमारे लिए कुछ करें, क्योंकि हम सब इंसान हैं, मुसलमानी तो बहुत दूर की बात है, इंसानियत की खातिर हमारे लिए कुछ करें और हमारी आपसे कि हम आपके जिंदगी पर शुक्र गुजार रहेंगे। फ्रेंच एम्बेसी या अमेरिकन एम्बेसी उनके लिए मतलब कितनी हेल्प कर रही है, उनकी कि यहाँ से वुहान से निकाल रहे हैं, उन्हें अभी सेम हेल्प हमें भी चाहिए कि आप लोग हमें यहाँ से निकाल रहे। तो हुकूमत से ये दरख्वास्त है कि हमें जल्दी जल्द यहाँ वुहान से हम निकाल दें, बड़ा मेहरबानी यहाँ से निकाला जाए या कोई प्लेन अरेंज किया जाए जिसकी वजह से हम इधर से जा सकें। अब मैंने कुछ न्यूज़ सुनी थी, उधर पाकिस्तान में मीडिया बता रहा था कि टोटल 200 स्टूडेंट वुहान में हमारे पाकिस्तानी हैं, पर ये सारी फेक न्यूज़ थी क्योंकि ओनली 200 स्टूडेंट हमारी यूनिवर्सिटी में। इस तरह 12 यूनिवर्सिटी हैं जिनमें 200 से 300 पाकिस्तानी स्टूडेंट रहते हैं और तकरीबन 2000 पाकिस्तानी स्टूडेंट जो वुहान में हैं, इन्हें बड़ा मेहरबानी कोई इकदाम करके यहाँ से निकाला जाए। कोरोना वायरस की वजह से हम बहुत खौफ और हैरान का शिकार हैं। एक तरफ तो वो खौफ हमारी जान ले रहा है तो दूसरी तरफ हमें खुराक की किल्लत है। हमारी तमाम मुकामी वाला से गुजारिश है कि हमारी इन तमाम दरख्वास्त को सुना जाए, हम यहाँ पर मौजूद तमाम पाकिस्तानी स्टूडेंट को किसी भी तरह पाकिस्तान वापस बुलाया जाए।
क्योंकि हम इसको और बहुत ही मुश्किल सूरत हाल से सिर्फ अपने माँ बाप के पास जाना चाहते हैं। शुक्रिया। प्लीज